subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys. Hello everyone. So guys, vocabulary test टेस्ट का series ये part टू है guys. तो मैंने 10 बिल्कुल high frequency words लिए हैं और वो मैंने लर्न किए हैं कैसे मैं लर्न करता हूँ मैं बता चुका हूँ कि मैं एक वर्ड को लेता हूँ फिर उसे चलते हुए टहलते हुए उसकी स्टोरी टेलिंग करता रहता हूँ और उसे अपनी डिक्शनरी का एक हिस्सा बना लेता हूँ जब लगता है ओके हो गया है फिर मैं उसका एक टेस्ट देता हूँ तो मैं अभी वो टेस्ट दे रहा हूँ तो शुरू करते हैं चलिए जी पहला वर्ड वोसी फेरस। वोसी फेरस। तो वर्ड बताइए तो है 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 ये एक एडजेक्टिव का मतलब क्या होता मान लीजिए कि आप कुछ बोलते हैं लेकिन आप बोलते हैं तो इतना जोर लगाकर बोलते इतना शोर मचाकर आप बोलते हैं कि आपकी बात कोई सुन ले जैसे आप कहते हाउ कैन यू से आप इस तरीके से बोलते हैं तो इस तरह की जो पर्सनैलिटी होती है उसको हम कहते हैं वो फेरस एकदम शोर गुल करने वाला व्यक्ति जब भी वो अपनी बात रखेगा तो वो हाई पिच पे रखेगा शोर मचाकर रखेगा क्यों क्योंकि वो चाहता है कि उसकी बात को सुना जाए तो ऐसे कई तरह के लोग आपको मिल जाएंगे वो वो फेरस कहलाते तो आप कैसे एग्जाम्पल बोलेंगे ही इज वो सी फेरस एग्जेक्टिव है ये तो आप ए नहीं लगा सकते ही इज वो सी फेरस और नहीं तो ही इज अ वो फेरस पर्सन ऐसे करके बोल दीजिए चलिए अगला देखते हैं दूसरा बताइए जी टैसी टर्न अब टैसी भी एक एडजेक्टिव है गाइस टर्न का मतलब क्या होता है कुछ ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो बिल्कुल रिजर्व रहते हैं वो ज़्यादा बोलते नहीं बिल्कुल चुपचाप रहेंगे तो ऐसा नहीं कि वो शाई हैं शाई नहीं कह सकते हैं लेकिन वो बहुत ही रिजर्व रहने वाले जो लोग होते हैं जो बिल्कुल कम बोलते हैं न के बराबर बोलते हैं ऐसे लोग टैसी कहलाते हैं ये एडजेक्टिव है तो हम कहेंगे यू नो दैट पर्सन इज टैसी डोंट ट्राई टू गो टू हिम टू टॉक हिज नॉट गो ना टॉक टू हिज टैसी टर्न मीन्स बड़ा कम बोलने वाला व्यक्ति क्यों वो कुछ भी तुम्हें नहीं समझाने वाला टैसी टर्न तो टैसी टर्न ऐसा व्यक्ति जो कम बोले जो रिजर्व रहे बिल्कुल हटके रहे टैसी टर्न है अगला जी लेकोनिक 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 भी एक एड्जेक्टिव है लेकोनिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो टैसी टर्न से थोड़ा सा ऊपर उठा रहता है मतलब नपा तोला वो बोलेगा जैसे आप कुछ भी उससे बोलोगे तो बोलेगा ओके 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 फाइन थैंक यू बहुत ही कम बोलेगा जैसे मैंने प्रभु देवा को देखा था प्रभु देवा भी बहुत एकदम लेकोनिक टाइप है मतलब बहुत ही कम बोलते हैं तो ऐसे कई लोग होंगे जो लेकोनिक होंगे वो कम बोलेंगे मान लीजिए कि आपने आ, किसी को कोई मैसेज लिखा और आपने बहुत ही नपा तोला कुछ वर्ड्स का मैसेज लिखा तो आपका मैसेज कैसा था लेकोनिक मैसेज था आपने किसी को रिप्लाई दिया बहुत ही कम शब्द का रिप्लाई दिया तो रिप्लाई कैसा था लेकोनिक रिप्लाई लेकोनिक आंसर लेकोनिक कॉमेंट लेकोनिक स्पीच और नहीं दिस पर्सन इज लेकोनिक ये भैया बिल्कुल कम बोलने वाला व्यक्ति है समझ में आ गया अगला देखते हैं आर्टिकुलेट 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 भी एक एडजेक्टिव है हालाँकि वर्ब का भी काम करता है तो अगर एडजेक्टिव की बात करें तो आर्टिकुलेट एक ऐसा व्यक्ति है जब वो अपनी कोई बात एक्सप्रेस करेगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही अपने सारे थॉट्स को बिंदास तरीके से आपके सामने रख देगा यानी कि आपको लगे वाह यार क्या बात है क्या कोजेंट स्पीच दिया बंदे ने मतलब ये बंदा आर्टिकुलेट है आर्टिकुलेट का मतलब है कि ये जो भी कहता है ना इतना बेहतरीन तरीके से कहता है कि तुरंत सामने वाले के समझ में आ जाता है उसको एक डेकोरेट करके बोलने की कला है उसके अंदर ये बंदा आर्टिकुलेट है तो ये होता है आर्टिकुलेट ही इज आर्टिकुलेट शी ऐसे बोल सकते हैं अगला जी गैरुलेस गैरुलस गैरुलस भी एडजेक्टिव गैरुलस एक ऐसा व्यक्ति होता है दोस्तों जो पटर 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 खूब करता है मतलब बहुत ज़्यादा वो बोलता है उसको हम गैरुलस कहते हैं इसको आप थोड़े से इजी वर्ड में देखें तो टॉकेटिव कह सकते हैं क्या रे यार वो बंदा बड़ा गैरुलस है ही इज गैरुलस गैरुलस मतलब यार वो बकबक बक करता रहता है यानी कि बातूनी है हिंदी में क्या बोलते हैं बातूनी तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको आप जानते हैं कि यार बहुत पटर पटर करता है तो आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे नो ही इज गैरुलस इज गैरुलस यानी कि वो बहुत ही टॉकेटिव है तो यही है अगला लिखते जो वर्ड है बनाल बनाल भी एक एडजेक्टिव है बनाल हम कब बोलते हैं मान लीजिए कि आप कोई गाना सुन रहे हैं और वही वही घिसा पिटा टोन है वही वही म्यूजिक है यानी कि घिसा पिटा घिसा पिटा का मतलब कुछ भी नया नहीं है वही पुराना वर्जन चल रहा है चाहे वो कोई गाना हो कोई मूवी हो कोई सीन हो Uh, किसी ने वैसे घिसे पिटे कपड़े पहन रखे वही स्टाइल जो कुछ भी ओरिजिनल ना लगे कुछ भी नया ना लगे ऐसा लगे यार पहले भी हो चुका है तमाम वो चीज़ें बनाल कहलाती है एकदम स्टूरियो टाइप आप कह सकते हैं तो बनाल तो बनाल फिल्म बनाल स्टोरी बनाल सॉन्ग्स तो बनाल का मतलब कुछ भी नया नहीं कोई जोक आपको बोल रहा है वह वही बनाल जोक है यार वही कई बार मैं सुन चुका हूँ ऐसे जोक्स तो घिसा पिटा यानी कि बनाल अगला देखते हैं मैगनैनिमस मैगनेिमस मैग्नानिमस भी एक एडजेक्टिव है ये एक ऐसा व्यक्ति होता है दोस्तों मैग्नानिमस मतलब उसका दिल इतना बड़ा है कि अगर कोई उसके लिए बुरा भी चाह रहा है उसको भी वो माफ़ करता है कि चलो छोड़ दो यार एकदम है एकदम बहुत बड़े दिल का है एकदम दयालु है वो मैग्नानिमस है चाहे कोई उसे बुरा कहे तब भी उसे माफ़ कर देगा और हमेशा अपना दिल बड़ा रखेगा

कहते हैं कि यार क्या ताजगी है उसके अंदर एकदम जिंदा दिल इंसान है भाई जिंदा दिल है जो जब ल, जब आपके सामने आए तो ऐसा ना लगे कि अब यार सुस्त है बेकार नहीं एकदम खुश मिजाज जिंदा दिल लगे ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं विवैसियस कि भाई यस्टरडे आई सो अ गर्ल शी वॉज विवैसियस एकदम लाइवली थी एकदम जिंदा दिल थी ऐसा लग रहा था वाह एनर्जी थी उसके अंदर विवैसियस तो ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो उदास को भी खुश कर दे जो उसके आने से लगे कि वाह क्या खुशियां आ गई है घर में यार व्यक्ति में कमाल है एकदम अंदर से वो रेस्प्लेंडेंट है बंदा चमक रहा है एकदम विवासियस है अगला जी जीकलिकल like लेकेडिकल like like ऐसा बंदा होता है कि उसके अंदर अब कोई एनर्जी नहीं बची हुई सुस्त है आज नहीं हो पाएगा छोड़ो यार कल करता हूं अब अंदर से एनर्जी नहीं मिल रही तो अगर ऐसा कोई सुस्त बंदा आपको दिखाई दे तो उसको हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड में आप कह सकते हैं लेकेडसिकल यू नो दिस पर्सन इज टुडे आई फील लेकेडिकल आज मैं बड़ा ही बिल्कुल अंदर से खोखला सा महसूस कर रहा हूँ ताकत नहीं है तो मैं लेकेडसिकल like महसूस कर रहा हूँ तो कह सकते हैं लेकेडसिकल अगलाम्बुलिस्ट सोमनेम्बुलिस्ट ये एक नाउन है सोमनेम्बुलिस्ट का मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपने सुना होगा कि नींद में चलना सुना होगा तो वो नींद में चलता है तो नींद में चलने की जो बीमारी है वो है सोमनेबुलिज्म लेकिन कोई व्यक्ति जो ऐसा परफॉर्म करता है जो ऐसे चलता है उसको हम कहते हैं कि यार ये बंदा सोमनेम्बुलिस्ट है यू नो दिस पर्सन इज अम्बुलिस्ट यानी कि ये नींद में चलने वाला व्यक्ति है। अब आप नॉर्मल इंग्लिश में जैसे भी स्लीप वॉकर कुछ भी आप कह के आप जुगाड़ कर लें बट ये इसका एग्जैक्ट वर्ड है सुमनैम्बुलिस्ट नींद में चलने वाला व्यक्ति ही इज़ अ सुमैम्बुलिस्ट और उस बीमारी को नींद में चलने की जो एक्टिविटी है वो सुमनैम्बुलिज्म है सुमनैम्बुलिज्म तो ये थे आपके गाइस दस हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स अब आप में से कई लोगों को लग रहा होगा इतने भारी भरकम वर्ड हम कैसे इस्तेमाल करेंगे अगर आप राइटिंग करते हैं या आप बहुत ही सजा करके कोई चीज़ लिखते हैं तो आप सोचिए कि जब इन वर्ड्स को आप उस जगह पर लगाएंगे ना तो बहुत ही इफेक्टिव वो स्पीच आपका हो जाएगा वो आपका जो राइटिंग पीस है वो बड़ा इफेक्टिव हो जाएगा या जब आप अंग्रेजी में बोलते हैं तो जब सिचुएशन आए अगर कोई सुस्त सा लगे तो आप लेजी की जगह बोल दीजिए लेकल like बोल दीजिए क्या दिक्कत है थोड़ा अच्छा ही तो लगेगा कोई अगर आपको ऐसा व्यक्ति मिले जो एकदम जिंदा दिल है तो बोलो यार विवासियस बंदा है तो बोलने में क्या जाता है आप अगर आपको नहीं पता तो क्या बोलते वेरी हैप्पी वाह वाह कुछ ना कुछ आप जुगाड़ तो कर ही लेते हो तो सबके लिए वर्ड्स बने हुए हैं दोस्तों तो फिर गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए आप लाइक करेंगे तो फिर मैं इसका अगला पार्ट लाऊंगा क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब वीडियो को प्रमोट करता है व्यूज़ बढ़ते हैं गाइस आप लाइक करेंगे तभी तो आगे ये जाएगा वीडियो आई होप कि आप समझ के होंगे तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों तो मिलते हैं अगले वीडियो में चिल्दन टेक केयर की प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन थैंक यू गाइस